नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों। डीएसएसबी टीजीटी 2014 का अभी पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें टेस्ट क्वेश्चन है एक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल ये डेफिनेशन ही है। ये इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। और रेशनल में क्या होता है, रेशनल में क्या होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, और उसमें क्या होता है, रिकरिंग होता है। टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रिकरिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रिकरिंग भी हो सकता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नेक्स्ट, ये दोनों ही डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक्स इजल टू रूट थ्री प्लस रूट टू। अपने को फाइंड क्या करना है, वो एक्स की पावर माइनस टू, तो मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। देन एक्स इजल टू रूट थ्री प्लस रूट टू, वन अपॉन एक्स इजल टू वन अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन कर दो, रूट थ्री माइनस रूट टू रूट थ्री माइनस रूट टू, तो वन अपॉन एक्स इजल टू रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन वन हो जाएगा, क्योंकि थ्री ए प्लस बी ए माइनस बी, तो थ्री माइनस टू इजल टू वन, तो वन अपॉन एक्स इजल टू क्या हो गया, रूट थ्री माइनस रूट टू। इसका स्क्वायर कर दो, अब रूट थ्री माइनस रूट टू हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू माइनस टू रूट सिक्स, तो आंसर हो जाएगा इसका फाइव माइनस टू रूट सिक्स, ठीक है। तो फाइव माइनस टू रूट सिक्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 0.05 अपॉन 0.004। अब ये पॉइंट दो और ये के तीन, ये भी तीन पर है, नीचे ये क्या हो जाएगा, आठ इंटू पांच अपॉन फोर इजल टू टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इक्वेशन है, इसकी वैल्यू फोर होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या है अपने पास, और अपने को निकालना है एन की पावर एन। इसका मतलब अपने को सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। तो अब देखो, टू की पावर एन माइनस टू की पावर एन माइनस वन इजल टू फोर है। टू की पावर, एक तो दो तरीके हैं इसके, एक तो टू की पावर एन कॉमन ले लो, यहाँ वन बन जाएगा, वहाँ यहाँ वन बाई टू बच जाएगा और यहाँ फोर हो जाएगा। यहाँ टू की पावर एन इंटू वन बाई टू इजगल टू फोर, टू की पावर एन इजगल टू एट हो जाएगा, इसे टू की पावर थ्री कर सकते हैं। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, थ्री हो गई। तो अब ये क्या हो जाएगा, थ्री की पावर थ्री इजगल टू 27। दूसरा डायरेक्ट ये है कि अपने को डायरेक्ट ही सोचना पड़ेगा कि एन की वैल्यू क्या पुट करें। एन की वैल्यू डायरेक्ट सोच लो, थ्री पुट करें, थ्री पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एट टू की पावर थ्री माइनस टू की पावर टू इजगल टू एट माइनस फोर इजगल टू फोर, ये फोर आ रहा है, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। एन इजगल टू थ्री, थ्री की पावर थ्री इजगल टू 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर इजगल टू माइनस फाइव मोड एक्स प्लस सिक्स है। अब देखो, मोड एक्स क्या होता है, मोड एक्स का मतलब होता है प्लस माइनस एक्स। अब ये एक में दो क्वेश्चन है वैसे, तो पहले हम प्लस एक्स का यहाँ लेंगे और माइनस एक्स का यहाँ लेंगे। अब प्लस एक्स लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इजगल टू जीरो है, ठीक है। तो x माइनस थ्री
इसके फैक्टर करो, x माइनस टू इजगल टू जीरो, तो x इजगल टू टू एंड थ्री हो गए। अब माइनस एक्स लो आप, तो माइनस एक्स लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इजगल टू जीरो, तो एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू इजगल टू जीरो, एक्स इजगल टू माइनस टू एंड माइनस थ्री। तो दो ये हो गए और दो ये हो गए, तो कितने रूट हो गए इसके, रियल रूट फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ी बात है मोड में कोई भी संख्या हो हमेशा पॉजिटिव होगी, और ये मोड में नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। भाई मोड में कोई भी यदि नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मोड का मतलब यही होता है, यदि कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसको भी पॉजिटिव करेगा, तो माइनस फोर कभी नहीं हो सकता इसकी वैल्यू, और माइनस फोर कभी नहीं हो सकता इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर। अब देखो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, देखो क्वेश्चन है इसमें तीन, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, और रियल इन दोनों का बाप है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियल। अब देखो एग्जांपल से देख लेते हैं, एक तो वन प्लस रूट फाइव है, सम करना है कि एक नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर सम कर दो इसको वन, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, ये देखो क्या आ गया टू, ये क्या रेशनल भी है रियल भी है। अब देखते हैं रूट फाइव प्लस रूट फाइव, टू रूट फाइव, ठीक है, ये क्या है इरेशनल है लेकिन रियल भी है, रियल में ये दोनों होती है, इसलिए दो प्रमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा वास्तविक होता है, वो रेशनल भी हो सकता है वो इरेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑड डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन। अब देखो ये भी डेफिनेशन है, एटलीस्ट इसका वन रूट जरूर होगा, कुछ भी एक एग्जांपल ले लो आप, यदि वो एक्स क्यूब, देखो इसमें दोनों इमेजिनरी होंगे, नहीं ये स्क्वायर है तो दोनों, यहाँ प्लस है दोनों इमेजिनरी होंगे, लेकिन क्यूब करोगे यहाँ तो एक वास्तविक रूट जरूर होगा इसमें। ठीक है, इसमें पुट करके देख लेना, ऐसा जरूर मिलेगी कोई वैल्यू जो हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें एटलीस्ट वन जो ओड डिग्री है ना, क्यूब फाइव सेवन ओड डिग्री में एक रियल वैल्यू जरूर होती है। ठीक है, अब देखो दो टू सम ऑफ टू नंबर्स 50 है, फ्रैक्शन ऑफ ऑब्टेन डिवाइडेंड लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर देन 3/2 है। देखो दो संख्याओं का जोड़ 50 है, इसमें दोनों का जोड़ देखो सभी का 50 हो रहा है, 3/2 रेशियो में कौन सी है, तो 3/2 रेशियो में मुझे केवल ये एक ही दिख रही है क्योंकि 3/2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मदर्स एज इज 3 times ऑफ एज ऑफ हर सन, उस एक मदर की एज है उसके बेटे की एज से कितनी है, 3 multiple है। मान लो बेटे की एज क्या है, एक्स है, तो एम की एज क्या होगी, मदर की एज 3x हो जाएगी। ठीक है, फिर कि आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बेटा एक्स प्लस फाइव हो जाएगा और मदर कितनी हो जाएगी, 3x प्लस फाइव हो जाएगी। फिर दोनों का एडिशन कितना है, 66 है, तो अब देख लो बी प्लस एम इजगल टू एक्स प्लस फाइव और 3x प्लस फाइव इजगल टू 66, ये कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू, ये 10 आगे आएगा 50, तो x इजगल टू कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3x है मदर की एज, तो 3x है इसका मतलब 42 एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर ऑफ, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल, मतलब इन दो नंबर हैं इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो अर्थमेटिक मीन अपने को निकालना है, तो देखो अर्थमेटिक मीन का मतलब ये होता है दो नंबर है बाई टू। अब इसका करो देखो एडिशन, ये डायरेक्ट थोड़ा मैं करूँगा क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन है ये, बाई टू। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई है, इसका मतलब टू एक्स वाई से टू एक्स वाई कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये एक बेनिफिट है, किसी भी चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं मिलेगा आपको, दोनों में ही क्वेश्चन है, आप दोनों बाइलिंगुअल मैं समझा रहा हूँ, तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। द सम ऑफ द फाइनाइट सीरीज, अपने पास एक फाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट का मतलब तो अनंत तक जाती हो, फाइनाइट का मतलब है फिक्स नंबर तक जाती हो, और ये अपने को देखते ही पता चल रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, थ्री थ्री का है। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, थ्री। अब अपने को अंतिम पद दिया हुआ है, इसका मतलब एल दिया हुआ है, कुछ ए एन से भी लिखते हैं वो फिफ्टी है, एन की वैल्यू अपने पास है नहीं कि ये कुल कितने पद हैं, एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ए एन इजल टू फिफ्टी तो अपने पास दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ से एन की वैल्यू निकालो, तो यहाँ फाइव प्लस एन माइनस वन डी ये थ्री हो जाएगा, देखो ये यहाँ फोर्टी फाइव हो जाएगा, और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा एन माइनस वन, ये क्या फिफ्टीन हो गया, तो एन की वैल्यू यहाँ से अपनी कितनी सिक्सटीन आ गई। अब देखो अपने को तो योग चाहिए, मतलब सम चाहिए, तो एस एन होता है सम, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, देन एस एन इजल टू एन की वैल्यू 16 बाई टू एट हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, ये 16 माइनस वन 15 हो जाएगी, और डी की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो ये आएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 55 हो जाएगा, क्योंकि 15 आती हैं 45 और 45 में 10 जोड़ाना तो 55, 55 इंटू 8 44 ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब ये क्वेश्चन सबसे इजी है, और ये क्वेश्चन है भी 10th क्लास का, नहीं कि 11th 12th का है। देखो एक थैला है, उसमें रेड बॉल कितनी है, 6 है, और ग्रीन बॉल कितनी है, 4 है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ए बॉल ड्रा एट रेंडम फ्रॉम द बैग, मतलब हम निकालते हैं एक के बाद, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट्स आइदर रेड एंड, मतलब या तो ग्रीन आने की या फिर रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल आउटकम हो गया 10। अब रेड या ग्रीन का कितना होगा, तो 10 बाई 10, ये कितना हो जाएगा, रेड या ग्रीन पूछा है, तो 10 बाई 10 इजल टू 1 हो जाएगा, इसका आंसर तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है, रेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो रेड आने की टोटल आउटकम तो 10 है, रेड कितनी है, 6 है, ग्रीन आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, ये काट दो 5 और ये 2/5, तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7 पर्सन आर टू बी सीटेड इन ए रो, 7 पर्सन, 7 व्यक्तियों की कतार में बैठना है, दो निश्चित
व्यक्ति एक दूसरे के पास बैठते हैं, दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के पास बैठेंगे, निश्चित व्यक्ति हैं वो। चलो इसको देखते हैं हम, इसको देखेंगे तो निश्चित व्यक्तियों की, देखो मान लो ये है एक व्यक्ति की सीट, ऐसे करके आप सात बना लो, एक दो तीन चार पांच, ये छह, छह बना रहा हूं, एक दो तीन चार, ए बी। अब ये दो व्यक्ति हैं, ये एकदम पास पास बैठेंगे, ये यहां भी हो सकते हैं, ये यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, मतलब कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे पास पास ही, ई एफ और जी। ठीक है, अब देखो ये तो दो फैक्टोरियल हो गए, क्योंकि डी इधर भी हो सकता है और सी इधर हो सकता है, तो या फिर इस तरीके से, इसका मतलब दो फैक्टोरियल तो ये हो गया। अब कितना फैक्टोरियल बचा, छह फैक्टोरियल, एक दो तीन। अब इस, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी आगे भी हो सकते हैं, इसका मतलब कितनी सीटें और ले सकते हैं, ये छह फैक्टोरियल सीटों और ले सकते हैं, इसका मतलब, और टोटल कितनी सीटें, सात, तो ये क्या हो जाएगा, ये छह आगे कट जाएगा, मान लो यहाँ कर लो, टू इंटू छह फैक्टोरियल का छह फैक्टोरियल रखो और सात इंटू छः फैक्टोरियल कर दो, ये छः फैक्टोरियल टू अपॉन सेवन हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी है और प्रोबेबिलिटी वैसे भी इजी है। अब देखो सबसे इजी क्वेश्चन 12th और 11th के हैं ये, और एनी इवन ई है, एनी इवेंट ई है, इफ पी इजल टू इतना दे दिया, फाइंड द वैल्यू पी नोट। अब देखो ये पी नोट भी हो सकता है, इसे पी इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेन चीज क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो पीई प्लस पीई नोट क्या होता है, वन होता है, पीई और पीई नोट क्या होता है, वन होता है। अपने पास पीई नोट निकालना है, वैसे ये डायरेक्ट है, आप डायरेक्ट भी मल्टी, ये समझाने के लिए है, बाकी आप डायरेक्ट वन में से ये कर दो और हो जाए, पी नोट क्या हो जाएगा, वन माइनस 0.999, इसकी वैल्यू ध्यान रखना 0.001 होगी, नहीं कि 0.1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है, एंड 100 अवलोकनों का माध्य कितनी है, 45 है, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 45। बाद में ये पता चला कि 2 अवलोकनों में गलती से 19 और 31 के बजाय 91 और 13 रिकॉर्ड हो गया, मतलब 19 और 31 की बजाय 91 और 13 रिकॉर्ड हो गया, मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, इसका मतलब ऑप्शन में ये 45 तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 100 अवलोकनों की पूरा कितना हो जाए 100, तो ये कितना हो गया 4500। फिर इसमें से 19 और 31 तो अपने को जोड़ना था और ये बाहर निकालना है, तो 4500 माइनस 91 माइनस 31 जोड़ना क्या है, 13, ये 13 जोड़ना था और 19, ये 13 माइनस करना था क्योंकि ये ऐड हो गया गलती से, और एडिशन कितना करना था 31। अब ये क्या हो जाएगा, देखो इनको ऐड करोगे तो आप कितना हो गया, 4460 हो जाएगा। अब अवलोकन तो फिर भी 100 है, तो इसका माध्य निकालोगे तो 100, तो 4 4 नहीं, ये होगा 4 6, ये नहीं होगा, तो ये 4 6 हो जाएगा, क्योंकि आप मल्टीपल करके ये एडिशन सब ट्रैक करके देख लेना, ये इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मस्त क्वेश्चन और 9th क्लास का क्वेश्चन है,
डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर इज इक्वल ऑफ द रेशनल नंबर। देखो जब रिपीट होती है ना कोई रेशनल नंबर, यहाँ रेशनल भी हो सकता है रेशनल भी हो सकता है क्योंकि ये आगे इनफाइनाइट हो, लेकिन जब रिपीट होती है तो वो क्या होती है, रेशनल होती है। और जैसे 657 रिपीट हो रही है, 657 हर जगह, इरेशनल कब होगी, जब ये रिपीट नहीं होंगे। अब सीधी सी बात है, एक्स इजकल टू अपने को क्या दिया हुआ है, 1.3567। अब आगे ये चलती जा रही है, पहले तो ये रिपीट वाली पॉइंट के आगे लो, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे ये लेते हैं 31 31 31, यहाँ पॉइंट से रिपीटेड नंबर स्टार्ट हो गए, तो रिपीटेड नंबर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको यहाँ ले गया पहले, तो ये अपने घर का है, इसको कहीं माइनस माइनस नहीं करना है, ठीक है, ये रिपीट हो रहे हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, यदि एक अंक का रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो अंक का रिपीट होता है तो 100 से करते हैं, और तीन का होता है तो 1000 से करते हैं। अब इसको 1000 से करो मल्टीप्लाई इंटू 100x इज इक्वल टू 1 2 3 6 5 7। अब आगे ये वापस स्टार्ट हो गया, अब देखो ये तो 1 लाख हो गया, ये तो क्या हो गया, 1 लाख हो गया। यदि अब आगे ये कितना हो जाएगा, 6 5 7, ये सेम है ही आगे। अब देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को तो ये माइनस करना है, अपने को तो आगे वाला सब कटना चाहिए, आगे वाला सब इसमें से कटेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस नहीं होगा, इसमें से कटेगा, इसका मतलब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ये इन दोनों का 1 2 -1 कर दो आप, 2 -1 करोगे तो, 2 -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लाख में से 100 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 9, ये अलग नंबर है तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए समझाया गया था। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब ये क्या है, 100 माइनस करना है, तो ये क्या बचेगा आपके पास, 9 9 9 00, ठीक है, एक्स ये कितना, आगे तो 0 होगा पॉइंट से, आगे तो कुछ बचेगा नहीं क्योंकि ये तो बचाना ही नहीं था, ये कितना हो जाएगा 4 2 गया 3, ठीक है, फिर 1 गया 5, फिर ये 123 का 123 बचे जाएंगे यहाँ। अब x की वैल्यू आप फाइंड करो, एक्स इजल टू 123 534/9 9 9 00। अब आंसर होगा ये, ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन था 9th में, ये है क्वेश्चन। अब देखो सबसे आसान और सबसे, इसके मैं दो तरीके बताऊंगा आपको, एक तो एक्स इजल टू अब देखो, एक तो वाई, दोनों वाई की वैल्यू है 1/x = -x, ठीक है, मल्टीप्लाई करो आप, x² + 1 = 0, ये कोई होता ही नहीं, ये इमेजिनरी आ गई, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं ग्राफ से, जो सबसे मस्त तरीका लगता है मुझे, देखो ये तो ग्राफ किसका है, 1/x का है, और ये ग्राफ किसका है, -x का है। और ग्राफ नहीं आ रहा है तब क्या करना है, तब वैल्यू पुट कर लेना आप, वैल्यू पुट करोगे तो मान लो x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, तो माइनस में नीचे, मतलब x पॉजिटिव जाएगा तो y हमेशा नेगेटिव है, x नेगेटिव जाएगा y पॉजिटिव जाएगा, 1/x का भी आप इस तरीके से वैल्यू पुट करोगे कि x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की कम होगी, जैसे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 होगी, और x की वैल्यू यदि 2 पुट करेंगे 0.5 होगी, इसका मतलब ये नीचे आ रहा है, इसमें कोई कॉमन है नहीं है, इसका मतलब
एक्स इंटरसेक्शन वाई इजल टू फाइव। बाकी ये क्वेश्चन ग्राफ से करना चाहिए और ग्राफ से ही सही रहता है। बाकी ये भी ठीक है, इमेजिनरी नंबर है। अब देखो ये क्वेश्चन G11 23 35 47 इज ए फंक्शन डिस्क्राइब बाई द जी एक्स इजल टू ए एक्स प्लस बी। अब देखो जी एक्स की वैल्यू अपने पास दे दी ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब वैल्यू निकालनी है अपने को, तो वैल्यू पुट करो आप इन एग्जांपल में से। देखो आप कि क्या होगा, जी इजल टू एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है अपने को, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू यदि 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आनी चाहिए, तो यहाँ क्या आएगी, बी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1। इसका वैसे दो तरीका है, इसमें डायरेक्ट पुट करके देखो कि 1 किस में आ रही है, मतलब ये 1 आनी चाहिए क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 पुट की है, 1 आ रही है वाई की, तो यहाँ 1 1 तो 2 हो जाएगा, नहीं 1 माइनस 2 -1 हो जाइए, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इजल टू 1। बाकी तरीके बहुत हैं, दो समीकरण बनाओ, लेकिन वो बहुत कंपटीशन के लिए वो तरीका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 99 फैक्टोरियल एंड 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 इज। इसमें दिया हुआ है कि 12 से यदि इस संख्या को यू डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो रिमाइंडर ये नंबर ये है 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का, 4 को करते ही 4 × 3 हो जाएगा यहाँ, इसी प्रकार 5 × 4 × 3 हो जाएगा, इसी प्रकार आगे के सारे नंबर 12 से डिवाइड होते जाएंगे। सारे नंबर क्या होंगे, 12 से डिवाइड होंगे। डिवाइड कौन सा नहीं होगा, ये नंबर डिवाइड नहीं होंगे, ये नंबर डिवाइड नहीं होंगे। इसका मतलब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 की भी 1, 2 की 2 और 3 की 3 × 2 6 + 2 8 और 2 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 10D। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 252 के डिवीजर कितने हुए, ये आसान क्वेश्चन है। डिवीजर पॉजिटिव डिवीजर क्या होंगे ये अपने आप निकाल लेना, ये 7th 8th में है गुणनखंड वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ बीच में। अब ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यदि ए एंड बी ये सम पूर्णांक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, यहाँ इवन इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये ध्यान रखना। इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राइम नंबर है, मतलब ए बाजी है, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मूल्य क्या होगा। देखो सीधी बात है, पहले तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि उसमें एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जा सकता। तो मान लो प्राइम नंबर 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 एंड 3। 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 एंड 5। अब इसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी प्राइम नंबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब अभी आप फॉर्मूले से निकालो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब देखो या तो ये 1 होगा या ये 1 होगा, क्योंकि दोनों में हमने डिवाइड कर लिया। अब देखो सम पूर्णांक है, ठीक है, सम पूर्णांक और पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर पर ध्यान देना, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, मतलब ओड इंटीजर और इवन इंटीजर नहीं है, लैंग्वेज चेंज हुई है दोनों में। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर लो, 2 और 1 ले लो आप, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये कितना होगा, 1 के बराबर आ सकते, ये किसी भी कंडीशन में 1 के बराबर नहीं आ सकती, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर का योग हमेशा 1 से ही बड़ा ही होता है, ठीक है, तो ये आ सकती है 1 के इक्वल, तो ये किसके इक्वल होगी फिर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, तो ए प्लस बी। देखो प्राइम नंबर होती हैं 3 एंड 5 ऐसे, तो
इनको ऐसे लिख सकते हैं। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये प्राइम नंबर है के मल्टीपल यही होंगे। अब इसके खुद के मल्टीपल क्या हो रहे हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब दो इंटीजर का यदि आप एडिशन करोगे तो हमेशा ए माइनस बी वन कभी नहीं हो सकता पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब ए माइनस बी वन होगा। तो ये फिर क्या होगा, तो ये तो ए माइनस बी हो गया और ये क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड्यूलस है। अब इसमें देखो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, ये आपको सबको आता भी होगा, नहीं आता है तो मैं थोड़ा समझाते हैं। तो इंटू एक्स लिख रहा हूँ मैं, -35 लिख रहा हूँ, ठीक है, अपॉन 31, ठीक। तो अब देखना पूरा पूरा डिवाइड किससे हो रहा है, तो ये किससे होगा पहले देखते हैं। -35 अपॉन 31 डिवाइड हो रहा है क्या, ये 14 से देख रहे हैं हम, तो ये कितना हो गया 35 और 0, असल भाई 7, 14 7 21, ये नहीं होगा क्योंकि ये कितना हो जाएगा 2065। इसको आपको देखना है, ठीक है। फिर लेते हैं 22 का इसी तरीके से, ठीक इसी प्रकार से अब ये फुल डिवाइड होगा, इसमें ये होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाकी आप निकाल लेना, मैंने निकाला जरूर था, यही हुआ। अब है सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन, टेन थीटा। इसमें आपको क्या दिया है, टेन थीटा इजक्ल टू -3 और -4 दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले बात ये, यहाँ आल पॉजिटिव होते हैं, ए एस टी सी, यहाँ साइन कोस एक, यहाँ टेन और कोट, और यहाँ कोस और सेक। अब देखो टेन पॉजिटिव यहाँ होता है तो यहाँ इस और इस क्वाड्रेंट में होगा ये, क्योंकि टेन नेगेटिव इसी क्वाड्रेंट है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब निकालते हैं, अब टेन है तो 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देन इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो -3/5। ये दोनों वैल्यू हो सकती हैं, अपने पास इसमें से कौन सी है, अपने पास ये एक है। यदि ये भी वैल्यू होती तो ये भी आंसर होती, लेकिन आएगा इसमें से या तो दोनों ही एक ऑप्शन में आएंगे या फिर एक एक आएगा, दोनों दो ऑप्शन में नहीं आएंगे कभी भी। अब देखो ये हुआ क्यों ऐसा, यहाँ पे मान लो 3 क्या है, 3 माइनस का लेते हैं, यहाँ 10 क्या है, नेगेटिव, यहाँ है एक्स की वैल्यू, विलंब 3 ले रहे हैं, इसका मतलब ये 3 ले रहे हैं हम और 4 ये ले रहे हैं, तो यहाँ, तो यहाँ क्या हुआ, ये माइनस का 3। अब माइनस का 4 लेते हैं तब क्या होता है, जब 4 क्या है, ये आधार है, माइनस का 4 इधर होगा और 3 पॉजिटिव होगा, माइनस का 4 मान लो यहाँ है, माइनस का 4 और 3 है, तब इसमें आएगी, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा है, लेकिन अभी पेपर सॉल्व करने हैं, बाकी पूरी क्लास में पूरा बताया जाएगा और पूरी क्लास में एक एक टॉपिक का पूरी क्लास होगी, सारे पेपर सॉल्व होंगे, लगभग 1 से 2 घंटे डेली ये क्लास अपनी रहेगी। तो इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैथ्स सही किसी भी आरपीएससी हो, यूपीएससी हो या टीएसएसबी हो या किसी भी प्रकार की मैथ्स हो, इसमें सारी मैथ्स करवाई जाएगी आपको।
और अच्छी तरीके से करवाई जाएगी टोटल मैथ्स। अब देखो वन रूट टेन एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन यही है, टेन जीरो एक्स इजगल टू एक्स है, एक्स इजगल टू जीरो पुट करो आप, इधर भी जीरो है इधर भी जीरो है। चलो अब वो विस्तार से है वो अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कंपटीशन के लिए ये तरीका एकदम सही है। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक व शेयर ज़रूर करें, ठीक है, इसमें आप सपोर्ट करोगे, जितना चैनल ग्रो करेगा उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसी तरीके से हम मैथ्स में जुड़े रहेंगे। आज पहला दिन है इस चैनल का, शुरुआत करने का, इसलिए आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, थैंक यू, धन्यवाद।